Throwing away food is like stealing from the table of those who are poor and hungry. Saint Soldier Divine Public School, Arjun Nagar, celebrated this day with an event, which was skit on wastage of food. The main aim of skit was to make the students aware about what will happen if they waste their food. Here we have this skit. Please watch it carefully and spread the message. On the importance of food. हेलो लड़की। हेलो, तू कैसा है? कैसा है, आजकल दिखता नहीं यार, मैं बिजनेस में बिजी होता हूँ। शाम को फ्री है? हाँ फ्री हूँ। आज हमारे डिनर करने चलते हैं। चल ठीक है, चल ठीक है, बाय। चलो ओके, बाय बाय। हेलो हेलो रवीन, कैसी है? ठीक हूँ, तू कैसा है? मैं भी ठीक हूँ। शाम को फ्री है? हाँ मैं फ्री हूँ। ओके, हम डिन करने चले? चल चलते। कहाँ पे जाना है? 8 बजे। चल ठीक है, मैं तुझे लोकेशन सेंड कर दूंगा। ओके ओके। हेलो हेलो, कैसे हो आदर्श? ठीक हूँ, तू कैसे है? मैं भी ठीक हूँ। और आजकल दिखता नहीं, कहाँ रहता है? मैं अपने बिजनेस में बिजी रहती हूँ। आज हमारे साथ पार्टी करने चलेगा? हाँ चलूँगा। कौन कौन आ रहा है? ध्रुव और रचित आ रहे हैं। ठीक है, चलते हैं। ओके, मैं तुझे लोकेशन सेंड कर दूँगी 8 बजे। ठीक है। सर वो इतना पता
वेस्ट हो गया, क्या करेगा? तो इसको बोलो कि अपने घर ले जाए, वो बोल रहे अपने घर ले जाओ। मैं कैसे अपने घर लेके जा सकता हूँ तुम्हारा खाना? ऐसा लगता है डस्टबिन में फेंक दे, डस्टबिन में फेंक दे। खाने को दे दे, इसमें से पानी पिए पेट भरी जा रहा हूँ। चलो कुछ खाने को ढूंढता हूँ। चलो कुछ खाने को तो मिला इस कचरे में। शुक्र है भगवान तूने कुछ खाने को दिया। हे भगवान, कैसे लोग हैं इस दुनिया में जिनके पास पैसा है उनको खाने की कदर नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है वो खाने के लिए तरस रहे हैं। मैं अपने होटल में खाना वेस्ट नहीं होने दूंगा। मैम ये खाना पैक कर दूं? मेरे मुंह पे बेवकूफ लिखा जा रहा है, खाना मैं पैक करके घर लेके जाऊंगी। मैम प्लीज पैक करा लो, मैम कहीं को तो मैं नहीं, मुझे नहीं करवाना। मैम प्लीज। नहीं, आप अपने मैनेजर को बुलाओ। मैम प्लीज, मैं आपको क्या बोल रही हूँ, आप अपने मैनेजर को बुलाओ। मैम मैनेजर को आप बुलाएंगी तो मेरी जॉब चली जाएगी। आई डोंट केयर, मैनेजर को बुलाओ। मैम आप मेरी जॉब चली जाएगी, आप मैनेजर को बुलाएंगी? मैम पहले मेरी बात सुन लीजिए। यस मैम, यू हैव एनी प्रॉब्लम सर? मुझे आपकी होटल की सर्विस इतनी अच्छी लगी कि मेरा ये खाना छोड़ के जाने का दिल नहीं कर रहा। थैंक यू मैम, मैं बाहर हूँ, आप मेरा खाना पैक करवा के ओके मैम। मैम ये खाना पैक कर दूं? मेरे मुंह पे बेवकूफ लिखा जा रहा है, खाना मैं पैक करके घर लेके जाऊंगी। मैम प्लीज पैक करा लो, मैम कहीं को तो मैं नहीं, मुझे नहीं करवाना। मैम प्लीज। नहीं, आप अपने मैनेजर को बुलाओ। मैम प्लीज, मैं आपको क्या बोल रही हूँ, आप अपने मैनेजर को बुलाओ। मैम मैनेजर को आप बुलाएंगी तो मेरी जॉब चली जाएगी। आई डोंट केयर, मैनेजर को बुलाओ। मैम आप मेरी जॉब चली जाएगी, आप मैनेजर को बुलाएंगी? मैम पहले मेरी बात सुन लीजिए। यस मैम, यू हैव एनी प्रॉब्लम सर? मुझे आपकी होटल की सर्विस इतनी अच्छी लगी कि मेरा ये खाना छोड़ के जाने का दिल नहीं कर रहा। थैंक यू मैम, मैं बाहर हूँ, आप मेरा खाना पैक करवा के ओके मैम। Thank you.
खराब ना जाए ना ले, तो उम्मीद है इसका मतलब आपको स्क्रिप्ट में समझ आ ही गया होगा। उतना डाले थाली में बेकार ना जाए ना ले, इसका मतलब है हम उतना खाना भी लेना चाहिए, उतना ही हमें अपनी थाली में डालना चाहिए जितनी हमें जरूरत हो और जितनी हमें भूख हो। हम ज्यादा खाना डालने से अपना पेट तो भर लेंगे, लेकिन जो बचा हुआ खाना है उससे किसी का पेट भर सकते हैं। लेकिन हमने क्या किया, जो बचा हुआ खाना था उसको कचरे में फेंक दिया, जो कि गलत है। अगर हम उतना ही डालें जितनी हमें भूख हो, तो जो खाना बच गया है, जो झूठा नहीं है, वे खाना हम गरीबों को दे के उसका पेट भर सकते हैं। हम शादियों में जाते हैं, हमारा पेट तो भर जाता है लेकिन आंखें नहीं। हम सारे खाने वाली चीजें ले लेते हैं पर खा नहीं पाते हैं। तो आओ हम सब मिलकर अपने देश में, अपने स्कूल में ऐसा नियम लाएं, बचा हुआ अच्छा भोजन जरूरतमंद तक पहुंचाया जाए।